फ्रेंड्स, केपीआईटी टेक्नोलॉजी के शेयर पर बाजार बंद होने के बाद एक बहुत ही शानदार एक्विजिशन से रिलेटेड न्यूज़ निकल कर आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि हमारे एक रेगुलर व्यूअर भाई है, उसका ये फेवरेट शेयर है और उन्हीं ने हमको बताया था इस कंपनी के बारे में। और बाद में हमने जाना कि यह कंपनी टाटा इलेक्सी के जैसे ही ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं और पूरा बाजार ये मानकर चल रहा है कि अगले आने वाले 5 साल इसी कंपनी के। और जब इसके चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट आए तो इसके मैनेजमेंट ने ही ठीक उसी तरीके की कॉन्फिडेंस कमेंट्री दी थी, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्विजिशन पर बात करें तो पार्थ पार्टनर नाम की टेक्नोलॉजी कंपनी को केपीआईटी टेक्नोलॉजी ने एक्वायर किया है और यहाँ पर अभी इसका 60% स्टेक इसने एक्वायर किया है 89 करोड़ की आसपास की इसकी कॉस्ट है। और फ्रेंड्स, इसकी रेवेन्यू साइज़ की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो 19-20 में 83 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू थी, 18-19 में 80 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू थी। तो अभी केपीआईटी टेक्नोलॉजी की रेवेन्यू 2036 करोड़ रही थी अभी जो साल खत्म हुआ वहाँ पर, तो उस लिहाज से देखें तो यह छोटा एक्विजिशन है, ठीक है फ्रेंड्स। मगर फ्रेंड्स, ये ओवरऑल देखें तो बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक तो जब इसके चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट आए तब मैनेजमेंट ने यह कहा था कि वो अगले आने वाले 3 से 5 साल के लिए इस कंपनी के लिए बहुत ही शानदार ग्रोथ रहने की उम्मीद जता रहे थे। और इसके अलावा अभी जो नया साल शुरू हुआ है वहाँ पर डबल डिजिट ग्रोथ, और आप यह देख सकते हो फ्रेंड्स, जो पिछले साल मार्जिन रहा था एबिटा मार्जिन 15%, वो 16 से 17% इस साल रह गया। यानी कि इस एक्विजिशन के बगैर ही ये कंपनी इस साल 30% के आसपास का साल दर साल प्रॉफिट ग्रोथ दिखा सकती है। और इसके अलावा भी ये एक्विजिशन से रिलेटेड न्यूज़ आ गई, तो ओवरऑल इसका अगले आने वाले दिनों में इस सर पर अच्छा खासा पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है।